registration of FIR was mandatory under section 154 of CRPC, but now it is mandatory under section 173 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, as we know that CRPC has been completely repealed and has been replaced by Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita. And there is no need to conduct any kind of preliminary inquiry if police officer receives information regarding commission of any cognizable offense. अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में सूचना मिलती है तो ये मैंडेटरी था पुलिस ऑफिसर को कि वो अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ऐसे मामलों में पुलिस ऑफिसर को किसी प्रकार का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करना होता था, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसे मिला है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मिला है। लेकिन कुछ केसेस में पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, जैसे मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, कॉमर्शियल ऑफेंसेस के केसेस में और करप्शन के केसेस में। तो इन मामलों में अगर पुलिस को किसी प्रकार का सूचना मिलता है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर। थैंक यू।